हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70+ के भारी बहुमत से बनेगी। लोकसभा के बाद कांग्रेस अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी की है और इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को खास नसीहत दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सब हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई गधा नहीं है, बस तय करना है कि कौन शादी का घोड़ा या घोड़ी है और कौन रेस का। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रदर्शन ने कांग्रेस में जोश भर दिया है। पार्टी उन राज्यों में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है जहां 2014 और 2019 में वो धराशायी हो गई थी। इसमें हरियाणा भी शामिल है। उत्तर भारत के इस राज्य में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं और इस कामयाबी के बाद कांग्रेस अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लग गई है। इस कड़ी में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक की है और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इस समीक्षा बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अपने और परायों को लेकर गधे घोड़े की बात कही। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने अपनों को घोड़ा बताया तो परायों को गधा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता घोड़े घोड़ी हैं, कोई गधा नहीं है, बस ये तय कर रहे हैं कौन शादी का घोड़ा या घोड़ी है और कौन रेस का। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों और नौजवानों को बीजेपी ने धोखा दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। उनका कहना है कि बीजेपी के 10 साल के शासन ने हरियाणा के विकास को रोक दिया और सैकड़ों भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, किसानों पर घोर अत्याचार हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से साफ है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस परीक्षा, किसान, महिलाएं, दलित, पिछड़ों आदि कई मुद्दे लेकर सामने आने वाली है। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और कई अन्य नेता शामिल हुए थे। दीपक बाबरिया का इस मीटिंग के दौरान कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने पार्टी की हरियाणा इकाई के 40 नेताओं के साथ अब बैठक की है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में हमारा वोट शेयर बढ़कर 47.69% हो गया है। इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा भी की और आगे कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब एकजुट होकर काम करना है। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अबाउट 40 लीडर्स के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने आज मीटिंग की थी और पूरी समीक्षा की थी। बहुत बढ़िया लोकसभा के नतीजा है। हरियाणा में 46% वोट शेयर तक हम 47% तक पहुंच गए, 47.69% तक, और 19% से ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट हुआ 2019 के सामने। 46 हलकों में कांग्रेस की बहुमत रही और ये सभी जो है नतीजे थे उसकी राहुल जी ने भी बहुत सराहना की, धन्यवाद किए और सबको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सबसे कहा है, पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा। इसके साथ साथ इस बैठक में पार्टी नेतृत्व ने किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयानों की पृष्ठभूमि पर भी निर्देश जारी किए हैं। आपको बताएं कि किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद सुरजेवाला ने कहा था कि पार्टी से कोई भी जाता है तो नुकसान होता है और इस बारे में पार्टी को मंथन करना चाहिए। वहीं सैलजा का कहना था कि किरण चौधरी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन अब राहुल गांधी ने इस एसआर गुट को खास नसीहत दी है कि वो ऐसे बयान को सार्वजनिक ना करें। आपको बताएं जल्द ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं
और ऐसे में कांग्रेस हरियाणा में जीत की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को बीजेपी के बराबर लाकर विधानसभा चुनावों के लिए मुकाबला तगड़ा कर दिया है। विधानसभा में जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त भी दिखाई दे रही है और अब देखना होगा कि चुनावी दंगल में 10 साल की सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस कैसे पटकनी देती है।